हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड अनदर वीडियो ऑफ आर्यवर्त ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात कुमार। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुदीने के उपयोग के बारे में कि पुदीने का उपयोग कैसे करें। दोस्तों, आप आसानी से पुदीने को हरी सलाद, डेजर्ट, चिकन और यहां तक कि पानी में जोड़ सकते हैं। पेपरमिंट चाय एक और लोकप्रिय तरीका है जिसे आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। आप पुदीने का उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीकों को बताने वाला हूँ। यदि आप उन तरीकों को जानेंगे तो आप सच में पुदीने खाने के शौकीन हो जाएंगे। पहला है ताज़ा या सूखे पत्ते खाना। ख़राब सांस का इलाज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा तरीका है, वो है आवश्यक तेलों का इस्तेमाल। मस्तिष्क समारोह और ठंड के लक्षणों में सुधार हो सकता है। यहाँ पे जो तीसरा है वो है, इसे त्वचा पर लगाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्तनपान कराने से पहले निप्पल दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं भोजन के साथ कैप्सूल लेना IBS और अपच का इलाज करने में ये ज़रूरी मददगार साबित होता है। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जो कि आप पुदीने को अपने घर में उपयोग करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं आगे से किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।